हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हम लोग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड फ्यूजन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कल आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है एक्सप्लेन किया था और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसके हिस्ट्री के बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज जो है मैं आप लोग को बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड देयर कल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड देयर कल्चर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब हम लोग इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लास्ट के बारे में, प्रोटोप्लास्ट होता है कुछ और प्रोटोप्लास्ट से बहुत फायदे हैं, हम लोग जो है ये सब डिस्कस तो कर रहे हैं और प्रोटोप्लास्ट को कैसे आइसोलेट करते हैं वो भी देख लिए, और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को ही हम लोग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इस चीज को भूलिएगा मत, दो दो नाम है, ठीक है। तो ये सब के फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है। तो द आइसोलेशन कल्चर एंड फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज अ फैसिनेटिंग फील्ड इन प्लांट रिसर्च। जिन लोग प्लांट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, जो ब्रीडर्स रहते हैं, प्लांट ब्रीडर जो ब्रीडिंग करके नए नए किस्में बनाते हैं प्लांट्स के, जो प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं प्लांट्स के और बीमारियों को दूर करने के उपायों के बारे में पता लगाते हैं, जो अल्टीमेटली जो रिसर्च करते हैं पौधों के ऊपर, उनके लिए प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ये तीन अलग अलग चीजें हैं ना। देखो अभी से बता दे रही हूं, बाद में मत पूछना। फिर आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब ये वर्ड्स बार बार यूज होने वाले हैं इसलिए मैं बोल दे रही हूं, अभी समझ लीजिए। आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करना। अलग करना मतलब क्या होगा कि ये जो कोशिका है आपकी पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल का सेल वॉल अभी है इसमें, तो ये प्रोटोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कब कहलाता है, जब इसका आउटर कवरिंग हट जाता है तो जो पादप कोशिका बचती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसमें अब क्या है, सेल वॉल नहीं है, ठीक है। अब ये आइसोलेशन हुआ जिसमें हमने आइसोलेट किया, ये आइसोलेशन। और दूसरा कहलाता है फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, जब दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को लेकर हम फ्यूज करवा के नया बनाते हैं हाइब्रिड, उसे हम फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कल्चर। कल्चर करने का मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप लोग फाइनल ईयर में आ गए हैं, तो फिर अगर प्रोटोप्लास्ट को लेकर उसका कल्चर किया, जैसे सब माइक्रोबियल कल्चर करते थे ना आप लोग, अगर हम प्रोटोप्लास्ट को ही, बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट हमने ले लिए, बहुत सारा प्रोटोप्लास्ट लिया, कोई भी एक प्रोटोप्लास्ट लेकर हम उसका कल्चर कर रहे हैं, पेट्री प्लेट में हमने मीडिया लगाया, मीडिया से हमने इसका कल्चर करना स्टार्ट किया, तो वो कहलाएगा आपका कल्चर करना, जिससे हम आगे जाके स्टडी कर सके। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन है, फ्यूजन है और कल्चर है, ये तीन अलग अलग चीजें हैं जो किसके साथ हो रही है, प्रोटोप्लास्ट के साथ ही हो रही है, ठीक है। आइसोलेशन, फ्यूजन और कल्चर, तो ये जो प्रोसेस है, ये तीनों प्रोसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है, फैसिनेटिंग फील्ड होता है प्लांट रिसर्चर लोग के लिए, जो प्लांट से रिलेटेड रिसर्च करते हैं या फिर प्लांट रिसर्च जो फील्ड है, इसमें ये जो ये तीनों जो प्रोसीजर है प्रोटोप्लास्ट से रिलेटेड, ये बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लास्ट से बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हुई है हम लोगों को, नई नई चीजें डिस्कवर भी हुई है, हमने कल हिस्ट्री में डिस्कस भी किया था इस बारे में कि प्रोटोप्लास्ट की सहायता से, बिना सेल वॉल का जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी सहायता से पूरा एक प्लांट भी डेवलप किया गया था। और वो कब की बात है, किसने किया था प्लांट डेवलप, रिकेब और उनके जो साथ में सहयोगी थे, 1971 में किया था। तो 1971 में जब वो पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं, तो हम लोग आज की डेट में और नई नई चीजें भी कर सकते, तो प्लांट रिसर्च में इसलिए ये जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, फ्यूजन और कल्चर है, ये बहुत फैसिनेटिंग जो है फील्ड होता है। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड देयर कल्चर प्रोवाइड मिलियंस ऑफ सिंगल सेल्स कंपेरेबल टू माइक्रोबियल सेल्स फॉर अ वैरायटी ऑफ स्टडीज। अगर हम प्रोटोप्लास्ट का कल्चर करते हैं, तो कल्चर हमने एक का किया और बदले में हमको मिलियंस ऑफ सिंगल सेल्स जो है मिलते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ सिंगल सेल्स हम लोगों को प्राप्त होंगे प्रोटोप्लास्ट के ही, मिलियंस ऑफ सिंगल सेल, मिलियन मतलब कितने लाखों, ठीक है, सिंगल सेल्स मिलेंगे। तो इतने सारे सिंगल सेल्स रहेंगे तो प्रत्येक को हम
अपना प्रैक्टिकल करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और जितना सेल्स हमारे पास रहेगा उतनी बार हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई नई खोजबीन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल्चर करना तो अपने आप में बहुत फायदे की चीज है, जिससे हम वैरायटी ऑफ स्टडीज कर सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। प्रोटोप्लास्ट का जो एप्लीकेशन है वो बहुत बड़ा है, एप्लीकेशंस बहुत सारे, वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो है, द प्रोटोप्लास्ट इन कल्चर कैन बी रीजनरेटेड इनटू अ होल प्लांट। अब आपने लिया एक प्रोटोप्लास्ट, अब आपने किया उसका कल्चर, एक को डाल दिया, इंक्यूबेशन के टाइम बाद बहुत सारे आ गए, ठीक है। अब इसका कल्चर करके ही, इस कल्चर करने के टेक्निक से ही आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं होल प्लांट, पूरा होल प्लांट बना सकते हैं। हम लोग पीटीसी भी पढ़ चुके हैं, छोटे से पार्ट से पूरा प्लांट बन सकता है। तो प्रोटोप्लास्ट के कल्चर से, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर से, छोटे से पार्ट से हम पूरा पौधा विकसित कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट इन प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के कल्चर से हम लोग पूरा होल प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। ये पहला एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, हाइब्रिड्स कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। आप लोगों ने हाइब्रिड फलों के नाम सुने होंगे ना, हाइब्रिड जाम है, हाइब्रिड पपीता है। जाम आजकल हर सीजन में मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड बनाने के लिए भी आपका प्रोटोप्लास्ट जो है बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। प्रोटोप्लास्ट की सहायता से हम हाइब्रिड्स का निर्माण कर सकते हैं, हाइब्रिड्स को डेवलप कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से। क्योंकि जब दो प्रोटोप्लास्ट मिलकर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ही तो बनाते हैं ना। और इसको किसमें यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्लांट्स का यूज करके उसके हाइब्रिड बना सकते हैं। जाम का करेंगे तो जाम का हाइब्रिड बन जाएगा, आम का करेंगे तो आम का हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से हम हाइब्रिड बना सकते हैं। तो हाइब्रिड बनाने में क्या एप्लीकेशन हुआ। सेकेंड एप्लीकेशन है, सॉरी थर्ड एप्लीकेशन है, इट इज इजी टू परफॉर्म सिंगल सेल क्लोनिंग विद प्रोटोप्लास्ट। सिंगल सेल्स जो हम लोगों को बहुत सारे प्राप्त होते हैं, अगर हम कल्चर करते हैं तो बहुत एक एक सिंगल सेल्स जो हम लोग को प्राप्त होते हैं, इन सिंगल सेल्स की क्लोनिंग करने में भी प्रोटोप्लास्ट हेल्प करता है। सिंगल सेल की क्लोनिंग करने में, क्लोनिंग मतलब डुप्लीकेशन करने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए, तो उसके लिए भी प्रोटोप्लास्ट अच्छा रहता है। क्योंकि प्रोटोप्लास्ट को ही हमने कल्चर करके क्या बनाया, सिंगल सेल, और उसको हम क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट डीएनए। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, अब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जीन्स का ट्रांसफॉर्म होना है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कई लोग, एग्जाम्पल दे रही हूँ सिंपली से, सिंपल सा, ताकि आप लोग को अच्छे समझ आए। कई लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि पहले जो है उनका लुक उतना अच्छा नहीं रहता है, बहुत ज्यादा उतने सुंदर नहीं दिखते, लेकिन सडन में लोग अपना हेयर कट करेंगे, अपने पहनने ओढ़ने का तरीका चेंज करेंगे, अपना अगर पतले हैं बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा मोटे हैं तो थोड़ा सा पतले होंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने एकदम गुड लुकिंग दिखने के लिए। जस्ट लाइक दैट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात हो रही है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम क्या करते हैं, जो जीन होते हैं ऑलरेडी किसी भी प्लांट के अंदर के जो जीन है, ठीक है, इस प्लांट का, ये जो प्लांट है आपका, इसका जो जीन है इसको हम निकाल के उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपका प्रोटोप्लास्ट डीएनए जो है वो यूज होता है, मतलब जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका डीएनए यूज करके हम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। ये एक एप्लीकेशन हुआ। प्रोटोप्लास्ट आर एक्सीलेंट मटेरियल फॉर अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडीज। आप लोगों ने, बॉटनी वाले ने अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडीज पढ़ा होगा,
जो लोग जूलॉजी वाले उनको मैं बता देती हूँ, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडीज मतलब जब पत्तियों की संरचना के बारे में, तने की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडीज करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में एकदम डीपली संरचना को देखा जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। तो जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, प्रोटोप्लास्ट को हम अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ताकि हम उसके स्ट्रक्चर किसी के जिस चीज के बारे में पढ़े, जैसे तने की संरचना पढ़ रहे हैं तो तने के अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख सके, अल्ट्रा संरचना देख सके और हर एक महीन जो पार्ट से है उसके उसको अच्छे से पढ़ सके, उसको जान सके। नेक्स्ट है, आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड क्रोमोसोम्स इज इजी फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल लगा है। सेल वॉल लगे होने की वजह से एक आउटर कवरिंग है जो एक प्रोटेक्शन का आवरण चढ़ा के रखा है, किस पे? आपके प्लांट सेल को, ठीक है? प्लांट सेल पे अगर ये प्रोटेक्शन का आवरण चढ़ा के रखा है तो अंदर के जो ऑर्गन्स है, कोशिकाओं के जो अंग है, सेल ऑर्गेनल्स है, उनको निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि हमको उसके लिए सेल वॉल को तोड़ना पड़ता है। तो अब अगर सेल वॉल ही हट जाए तो बचा सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? और अब सेल वॉल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अब ये प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। तो प्रोटोप्लास्ट से अंदर के अंगों को बाहर निकालना आराम से किया जा सकता है, क्योंकि जब सेल वॉल रहता था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती थी, तोड़ना पड़ता था सेल वॉल को, है ना? उसके बाद हम अंदर की कोशिकाओं के अंगों को और क्रोमोसोम्स को निकालते थे। लेकिन अब अगर प्रोटोप्लास्ट है हमारे पास, जब सेल वॉल नहीं है जिसमें, तो फिर हम आराम से कोशिकांग को और क्रोमोसोम्स को निकाल सकते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, आप लोगों को मैं याद दिला दूं, बनाना वाना प्रैक्टिकल किया था ना हम लोगों ने, जिसमें हमने डीएनए आइसोलेट किया था सेकेंड ईयर में, जिसमें मैंने आप लोग को क्या बताया था कि बनाना को मैश करते टाइम हम क्या डालते थे? एसडीएस डालते थे, है ना? एसडीएस नहीं रहता था तो हम क्या डालते थे? थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालते थे, ठीक है? एसडीएस रहता था क्योंकि डिटर्जेंट में एसडीएस रहता है, एसडीएस मतलब सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट। और वो बनाना को जब मैश करते थे तो हम एसडीएस इसलिए डालते थे क्योंकि एसडीएस जो है सेल वॉल को तोड़ने का काम करता था। अगर हम ऑलरेडी प्रोटोप्लास्ट यूज करेंगे तो ये प्रोसीजर हमारा हट जाएगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा ये प्रोसीजर, ठीक है? तो ये हुआ एक एप्लीकेशन। उसके बाद जो है आप लोगों का नेक्स्ट है, प्रोटोप्लास्ट आर यूजफुल फॉर मेम्ब्रेन स्टडीज। मेम्ब्रेन की स्टडीज के लिए, अब सेल वॉल हट गया है तो ऊपरी जो लेयर है वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, ठीक है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी ही लेयर जो है वो लगी हुई है सबसे ऊपरी, ठीक है? तो अगर हमको सिर्फ मेम्ब्रेन की स्टडीज करनी है, मेम्ब्रेन के बारे में जानना है, उसको लेकर ही रिसर्च करना है, उसके बारे में अच्छी जांच पड़ताल करनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, अपटेक प्रोसेस कैसे होती है, कैसे चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाती है, कैसे चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हुए अंदर आती है, तो इन सब चीजों की स्टडी के लिए जो है प्रोटोप्लास्ट ज्यादा अच्छा होता है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल अराउंड दैट, ठीक है? उसके इर्द गिर्द जो है अब सेल वॉल हट चुका है, अब हम डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए भी या फिर मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए भी आपका प्रोटोप्लास्ट अच्छा होता है। नेक्स्ट है, आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट्स फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज इजी। आपका जो प्रोटोप्लास्ट है उसका हमने कल्चर किया, कल्चर करके बहुत सारे कॉपीज बन जाती हैं उसकी, जैसे बैक्टीरियल कल्चर करते तो एक बैक्टीरिया से थोड़े सारे बैक्टीरिया जो है वो बन जाते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट की कल्चर से हम लोग म्यूटेंट्स को इजिली निकाल सकते हैं। अगर किसी प्रकार का म्यूटेंट है आपके प्लांट में जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है प्लांट्स में, उत्परिवर्तन हो रहा है जो कभी कोई बीमारी ला सकता है, तो उसे भी हम कल्चर के जरिए अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये एक फायदा हुआ जिससे आगे जाके बीमारी ना हो, बीमारी का खतरा कम हो जाता है अगर म्यूटेशन की वजह से कोई बीमारी होने वाली है। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस उसके आपके प्रोटोप्लास्ट के, जिसमें हम लोगों ने कुछ इसके 8 जो एप्लीकेशन है उसको देखा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब हमको अगर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करना है तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ेंगे।
पॉइंट नंबर वन, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब हम हमारा जो नॉर्मल जो सेल है, प्लांट सेल, जिसका आउटर कवरिंग जो है सेल वॉल होता है, इस सेल वॉल को जब हम हटा दें, हटा के सिर्फ हमारा वो सेल ले आए जिसमें सेल वॉल नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। हम आइसोलेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं सेल वॉल को, किससे अलग कर रहे हैं, हमारे प्लांट सेल से, और फलस्वरूप हमको क्या मिल रहे हैं, ये क्या चीज हुई हमारी, ये हुआ आपका प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ठीक। तो ये प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के क्या क्या मेथड हैं, कैसे किया जाता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने के दो टेक्निक्स होते हैं, एक होता है मैकेनिकल मेथड और दूसरा होता है एंजाइमेटिक मेथड। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड क्या होता है और एंजाइमेटिक मेथड क्या होता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल मेथड, ठीक है, पहला है कौन सा मेथड, मैकेनिकल मेथड, उसको पहले हम देखते हैं। अब ये जो मैकेनिकल मेथड है, इसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन बाय मैकेनिकल मेथड इज अ क्रूड एंड टीडियस प्रोसेस। अब ये प्रोसेस तो है एक, लेकिन इस प्रोसेस के साथ एक प्रॉब्लम है कि बहुत थकाऊ प्रोसेस है, बहुत ही उबाऊ प्रोसेस है, और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, मतलब बहुत टाइम बाद होती है, मतलब मेहनत ज्यादा लगती है, मतलब और थकाऊ प्रोसेस है। तो ये मैकेनिकल मेथड इज वेरी टीडियस एंड क्रूड, क्रूड मेथड। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द आइसोलेशन ऑफ अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ प्रोटोप्लास्ट। और इसका एक और है नेगेटिव, पहले बता दे रही हूं मैं, इसका एक और प्रॉब्लम है कि जब हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने के लिए मैकेनिकल मेथड करते हैं तो इसमें बहुत कम मात्रा में हमको प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है, अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में प्रोटोप्लास्ट जो है हमको प्राप्त नहीं होता है। सबसे पहले तो इसका प्रोसेस होता कैसे, उसे डिस्कस करते हैं। अब प्लांट का सेल लिए, तो प्लांट के सेल में सबसे ऊपरी लेयर जो एपिडर्मिस की लेयर है, ये आपका एपिडर्मिस का लेयर पहले, सबसे पहले हम लेते हैं किसी भी प्लांट का, सबसे आउटर वाला कवरिंग जो है एपिडर्मिस का होता है, जैसे आपकी स्किन में भी होता है एपिडर्मिस, डेंडर्मिस, उसके बाद आपका एपिडर्मिस हुआ, एपिडर्मिस का स्मॉल पीस को हम लोग लेते हैं। ठीक है, किसी भी प्लांट से जिसका हम लोग को प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है। अब उसके बाद एपिडर्मिस ले लिया, अब नेक्स्ट, द सेल्स आर सब्जेक्टेड टू प्लाज्मोलिसिस, दिस कॉजेस प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल्स। अब ये जो एपिडर्मिस है उसका एक हिस्से को मैं इधर ला रही हूं, मतलब एक छोटा सा पार्ट इधर आया, ठीक, ये आपका सेल है इसके अंदर, और ये उसके ऊपर का, ये सेल है, ये इसके ऊपर का सेल वॉल है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होगी इसमें, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, दिस कॉजेस प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। ये जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट मतलब सिर्फ इसी को प्रोटोप्लास्ट बोल रहे हैं, बाकी ये पूरा सेल है, सेल वॉल क्योंकि है इसमें प्रोटोप्लास्ट, इसलिए ये जो ऊपर ये वाला जो है ये आपका सेल वॉल है, सी डब्ल्यू। नहीं आए नहीं ना, वो तो ये आपका सेल वॉल है और ये क्या है आपका सेल, सॉरी प्रोटोप्लास्ट, ये आपका प्रोटोप्लास्ट। हमको किससे काम है, हमको इससे काम है, प्रोटोप्लास्ट हमको चाहिए। तो ये जो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होती है, तो प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, आपका जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक होना स्टार्ट होता है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये जो प्रोटोप्लास्ट है वो सिकुड़ेगा एकदम से,
और वो जैसे जैसे सिकुड़ेगा वो सेल वॉल से अलग होता जाएगा, दूर हटता जाएगा, इसी को बड़े रूप में ऐसा देखते हैं। ये सेल वॉल है, CW सेल वॉल, और ये सिर्फ इतना जो हिस्सा है वो आपका क्या है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल के बिना वाला पार्ट, ठीक। जब प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस चलती है, प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस चल रही है, तो ये सिकुड़ेगा, तो ये अंदर खिंचाव होगा, इसमें खिंचाव होगा, वो एकदम से सिकुड़ना चालू होगा, श्रिंक होना स्टार्ट होंगे, श्रिंक होके वो बहुत छोटे हो जाएंगे। छोटे हो गए, तो छोटे हो गए तो क्या हुआ, सेल वॉल दूर चले गया एकदम से, उन लोग से, किससे, प्रोटोप्लास्ट से दूर चले गया, कौन, आपका सेल वॉल, ठीक। नेक्स्ट, फिर क्या होगा, द टिश्यूज इज डाइसेक्टेड टू रिलीज द प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोसेस इसके अंदर हो रही है, ठीक है, तो यहां पर हुई, तो फिर ये छोटा सा हमारा प्रोटोप्लास्ट और ये सेल वॉल जो है एकदम से, सेल वॉल से जो एकदम से अलग हो गया है। अब प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है डाइसेक्टिंग सेल। स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ना, पहला स्टेप ये एपिडर्मिस लिए, दूसरा स्टेप ये प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस, तीसरा आगे क्या होगा, हम इसे डाइसेक्ट करेंगे, काटेंगे यहां से टिश्यू को, एपिडर्मिस टिश्यू था ना, उसे हम काट रहे हैं, ठीक है। अब हम उसे काटने के बाद जो है हम किसको निकाल लेंगे, द टिश्यू इज डाइसेक्टेड टू रिलीज द प्रोटोप्लास्ट। अब कट कर गए हैं, यहां कट लग गया है, तो अब इतने हिस्से को हम निकाल लेंगे, ठीक है, हमारा ये जो है बाहर आ जाएगा, कौन, प्रोटोप्लास्ट, ठीक। मैकेनिकल मेथड फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन इज नो मोर इन यूज, लेकिन ये जो मैकेनिकल मेथड है आज के डेट में यूज नहीं की जाती है, ये सिर्फ आप लोगों का एक मेथड है जो बहुत पहले यूज किया जाता था प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए, लेकिन आज की डेट में इस मेथड को अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं इसके, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी है, नियमितता भी है, नियमित सॉरी नियमितता मतलब सीमितता है इसकी बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटोप्लास्ट बनते हैं, पॉइंट नंबर वन, इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस कई बार हो नहीं पाती है अच्छे से, अगर हुई तो फिर डाइसेक्ट करने से अच्छे से वो बाहर नहीं निकल पाता है, और जितने भी प्रोटोप्लास्ट निकलते हैं बहुत अधिक मात्रा में नहीं निकलते हैं, बहुत कम मात्रा में रहते हैं, बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी जो है, सूक्ष्म मात्रा में आपके प्रोटोप्लास्ट आपको मिलते हैं, बहुत मिनट क्वांटिटी में, अब क्वांटिटी कम रहती है और कुछ जो है उसमें मर जा रहते हैं, प्रोटोप्लास्ट काम के ही नहीं रहते हैं, वायबिलिटी नहीं रहती उनमें, जीवित अवस्था में नहीं रहते हैं, वायबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। जीवित अवस्था में रहेंगे तो हमारे तो कुछ काम के ही नहीं है प्रोटोप्लास्ट, जीवित कोशिका चाहिए, और कभी कभी जैसे एपिडर्मिस हमने लिया, लेकिन कुछ कुछ में रिस्ट्रिक्टेड होता है टू सर्टेन टिश्यूज विद वैक्यूलेटेड सेल्स, किसी किसी में ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम से एपिडर्मिस निकाल के उसका इस मैकेनिकल मेथड के जरिए हम लोग उसको प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकें, ठीक है। बट फिर भी इतनी सारे प्रॉब्लम रहने के बाद भी कुछ वर्कर्स जो है, सम वर्कर्स प्रिफर मैकेनिकल मेथड इफ द सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स ऑफ एंजाइमेटिक मेथड कॉज डिलीटोरियस इफेक्ट्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट। कुछ वर्कर्स अभी भी लेकिन इस मेथड को इसीलिए अप्लाई करते हैं, इसलिए यूज करते हैं, क्योंकि जो सेकेंड मेथड है हमारा, सेकेंड मेथड का नाम है एंजाइमेटिक मेथड, जिसमें एंजाइम्स का यूज किया जाता है, उन लोग का ये सोचना है जो वर्कर्स इसको यूज करते हैं, अगर हम ये प्रोसेस से करेंगे और एंजाइम अगर काम नहीं किए तो, एंजाइम अगर उल्टा फर्क डाले, उल्टा असर डाले तो प्रोटोप्लास्ट में, तो हमारा तो पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ हो जाएगा, इससे कुछ तो होगा, भले कम मात्रा में होगा लेकिन कुछ तो होगा, भले कुछ की वायबिलिटी चली जाएगी, कुछ मर जाएंगे लेकिन कुछ तो जिंदा रहेंगे, ये सोचकर कुछ वर्कर्स जो है, सम वर्कर, सिर्फ कुछ ही है वर्कर्स जो इस मैकेनिकल मेथड को अप्लाई करते हैं प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के लिए, ठीक है। तो ये एक हुआ,
जब डाइसेक्शन होता है ना तो सेल वॉल भी आपका टूटेगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका प्लास्ट, जो आपका प्रोटोप्लास्ट है वो बाहर निकलेगा। ये चीज को बताना भूल गई थी, सिर्फ आपका डर्मिस नहीं, एपिडर्मिस नहीं कट रहा है, साथ में आपका सेल वॉल भी कट रहा है, वहां पर डाइसेक्ट हो रहा है। तो ये था आपका मैकेनिकल मेथड, जो आपका पहला मेथड है। नेक्स्ट जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, जो है आपका एंजाइमेटिक मेथड। एक मिनट, आप लोगों का ना रनिंग आउट ऑफ टाइम शो कर रहा है मुझे, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तो इस एंजाइमेटिक